एक दौर था जब अतीक के नाम से प्रयागराज और आसपास के नेता भी डरते थे। अतीक जिस सीट से चुनाव लड़ता था उस सीट पर पर्चा भरने की हिम्मत बड़े बड़े नेता भी नहीं करते थे। अतीक का आतंक ऐसा था कि उसके मामलों की सुनवाई से कई वकील और जज भी खुद को अलग कर लेते थे। जो भी अतीक के रास्ते में आया अतीक ने उसे ठिकाने लगा दिया। लेकिन लखनऊ में हुआ एक बड़ा कांड अतीक के लिए मुसीबत बन गया। देखिए अतीक से जुड़ी कुछ ऐसी और सनसनीखेज कहानियां। अपराध सत्ता और सियासत के गठजोड़ ने अतीक जैसे अपराधियों की एंट्री चुनावों में भी करा दी। माफिया और बाहुबली का तमगा हासिल कर लेने के बाद अतीक ने राजनीति के मैदान में भी अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। साल 1989 में वो पहली बार विधायक बना। अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से अपने कट्टर विरोधी चांद बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ा। चांद बाबा को हराकर वो निर्दलीय विधायक बन गया। इसके बाद तो बम और बंदूक की बिसात पर खेलने वाले अतीक की सियासत के मैदान में भी पौबारा हो गई। फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो लगातार 5 बार विधायक रहा, 3 बार निर्दलीय चुना गया और एक एक बार समाजवादी पार्टी और अपना दल के टिकट पर भी वो विधायक बना। अतीक एक बार सांसद भी रह चुका है। सियासत तो अतीक के लिए कवच थी, विधायक और सांसद के तमगे को तो वो ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा। अतीक का असली खेल जुर्म की दुनिया से जुड़ा था। साल 1989 में जब अतीक विधायक बन गया तो उसी के कुछ समय बाद उसके प्रतिद्वंदी चांद बाबा की प्रयागराज में दिन दहाड़े एक चौराहे पर हत्या हो गई। इसमें नाम अतीक का ही जुड़ा। इसके बाद तो अतीक की ताकत और उसके नाम का आतंक इतना बढ़ गया कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई करने से कई वकीलों से लेकर जज तक दूरी बनाने लगे। प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल तक अतीक के नाम की दहशत गूंजने लगी। 90 के दशक तक कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक के नाम का खौफ इतना बढ़ गया कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर टिकट लेने से नेता मना करने लगे। पार्टियां अगर टिकट देती भी थी तो अतीक के नाम से सहमे हुए नेता टिकट लौटा दिया करते थे। साल 1989 से लेकर 2002 तक इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अतीक के नाम की तूती बोलती रही। वो इस सीट पर लगातार जीतता रहा और विरोधियों के बीच अपने नाम का खौफ बढ़ाता रहा। एक समय इलाहाबाद पश्चिमी सीट का मतलब समझा जाने लगा था अतीक अहमद। साल 1995 में लखनऊ के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम सामने आया था। इसे लेकर मायावती ने अतीक अहमद को कभी माफ नहीं किया। जब भी मायावती सत्ता में आई उन्होंने अतीक को टारगेट पर रखा। मायावती कई बार ऐलान कर चुकी थी कि अतीक ने उन्हें गेस्ट हाउस कांड में मारने की साजिश रची थी। गेस्ट हाउस कांड में अतीक के खिलाफ एक साथ 114 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में साल 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। बीच में कुछ समय के लिए उसने अपना दल का भी दामन थामा। लेकिन साल 2004 में फिर समाजवादी पार्टी में न सिर्फ उसकी वापसी हुई बल्कि वो पार्टी के टिकट पर उस फूलपुर से सांसद चुना गया जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। अतीक अपराध जगत से लेकर सियासत की दुनिया तक अपना विस्तार करने में ही जुटा था कि एक घटना अतीक की जिंदगी के लिए काल बन गई। तारीख थी 25 जनवरी 2005। इस दिन प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से अतीक और उसके परिवार का काला साम्राज्य तबाही के कगार पर पहुंच गया। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों को जेल भी जाना पड़ा। दरअसल फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवा दिया। अतीक के भाई के खिलाफ बीएसपी ने राजू पाल को टिकट दिया। राजू पाल विधायक चुन लिया गया। यही बात अतीक के सीने में नश्तर की तरह चुभती रही। लेकिन राजू पाल की हत्या अतीक के गले की ऐसी फांस बन गई जिससे वो आज तक नहीं उबर सका है। राजू पाल हत्याकांड अतीक के गुनाहों के साम्राज्य के लिए नासूर बन चुका था। अब बारी अतीक के आतंक और जुर्म के दमन की थी। साल
साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही यूपी पुलिस ने अतीक और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि अतीक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसे यूपी से दूर गुजरात की साबरमती जेल में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच रखा गया। फिर वो दिन भी आया जब अतीक को अदालत में पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया। अतीक का हिसाब शुरू हुआ तो उसके परिवार पर भी कानून का हंटर चला। अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल में रखा गया। अतीक का एक बेटा उमर लखनऊ और दूसरे बेटे को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया। अतीक की पत्नी के खिलाफ भी इनाम घोषित हो चुका है। वहीं अतीक के दो और बेटे भी उमेश पाल मर्डर कांड के बाद से ही पुलिस के रडार पर हैं। और एक दौर था जब अतीक का काफिला सड़कों पर चलता था तो सनसनी मच जाती थी। अतीक का सियासी कनेक्शन इतना तगड़ा था कि वो जो भी करता था उस पर सवाल उठाना भी एक गुनाह समझा जाता था। वो जेल से भी अपनी सल्तनत चलाता था, यहां तक कि उसने जेल से ही नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। लेकिन वक्त वो भी आया जब अतीक का पतन शुरू हुआ, और ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, देखिए ऐसी ही अगली कुछ कहानियां। माफिया डॉन अतीक के पतन की कहानी विधायक राजू पाल की हत्या से ही शुरू हो गई थी। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों के जब बुरे दिन शुरू हो गए तो साल 2007 और साल 2012 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। डॉन के गढ़ में पूजा पाल का लगातार दो बार चुनाव जीतना अतीक के लिए बहुत बड़ा सदमा था। हालांकि 2017 में पूजा पाल चुनाव हार गई, लेकिन पूजा पाल को साल 2022 में उसी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया जिसने कभी अतीक को अपनी पार्टी का सिंबल दिया था। समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से फिर विधायक बन गई। राजू पाल हत्याकांड के आखिरी गवाह रहे पूजा पाल के चचेरे भाई उमेश पाल की भी जब हत्या करवा दी गई तो अतीक के लिए मानो मुसीबतों का दरवाजा खुल गया। अपनी दुर्विरोधी पूजा पाल से चुनाव हारने के बाद अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी के उसी श्रावस्ती से चुनाव लड़ा जहां का वो मूल बाशिंदा है। लेकिन श्रावस्ती का सियासी समीकरण अतीक के खिलाफ था, अतीक चुनाव हार गया। साल 2016 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। इसी दौरान अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के एक कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अध्यापकों और अधिकारियों को भी धमकाया। अभी ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर 2016 को अतीक करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। वो खुद हमर गाड़ी पर सवार था जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ बताई गई थी। उस वक्त कानपुर में अतीक का एक काफिला सुर्खियां बन गया था। इसी बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने अतीक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक को महंगी बंदूकें और महंगी गाड़ियां रखने का बेहद शौक है। इनकी वजह से वो अक्सर विवादों में फंसता रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक की लग्जरी गाड़ियों के काफिले में दर्जनों महंगी विदेशी गाड़ियां शामिल होती थी। प्रयागराज में उसके मोहल्ले चकिया के पुराने लोग बताते हैं कि अतीक को महंगे और नई तकनीक से लैस हथियार रखने का भी काफी शौक था। महंगी बंदूकों और विदेशी गाड़ियों के शौक के साथ ही अपराध और सियासत के साथ उसके गठजोड़ ने धीरे धीरे अतीक को प्रयागराज के बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों के रसूख से भी बड़ा बना दिया था। लेकिन कहते हैं कि जब सूरज अस्त होता है तो स्याह रात के अंधेरे ही हिस्से में आते हैं। उजाले के लिए आंखें तरसती रहती हैं। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से माफिया अतीक के दुर्दिन शुरू हो गए थे। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के नए सीएम बने। उसी समय फूलपुर सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए। केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर की सीट छोड़नी पड़ी। फूलपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई तब अतीक अहमद ने जेल से ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव का पर्चा भर दिया। हालांकि अतीक को एक बार फिर जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में तो अतीक ने गजब ही कर डाला। उसने जेल से ही वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक दी। लेकिन इस बार माफिया अतीक की जमानत जब्त हो गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों में तेजी से जांच शुरू हो गई। इसके बाद से अब तक अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। दरअसल अतीक अहमद के जुर्म का सिक्का जेल में रहने के बाद भी चलता रहा है। वो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहिर है। अतीक पर एक आरोप ये भी है कि देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया, बल्कि जेल में उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी सिर्फ इसलिए वायरल किया कि ताकि लोगों में उसके नाम की दहशत कायम रहे।